चंबा पहुंच चुके हैं। चंबा के जस्ट रवि रिवर के जस्ट साइड में अभी ब्रिज पे चढ़े हुए, ऑलमोस्ट जो गूगल मैप दिखा रहा है वो 2-3 मिनट्स और दिखा रहा है हमारे को। तो जस्ट यहीं पर ही हम रुकेंगे, लंच वगैरह करेंगे और ब्यूटीफुल रिवर साइड रहेंगे आज। ये देखो रवि रिवर भाई, तो गाइस ये चंबा का बस स्टैंड है ऊपर इस तरफ। अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई है हाफ एन आवर के अंदर ही, और अब देखो मार्केट अलग ही दिख रही है। तो गाइज अभी हम चंबा की मार्केट में ही थे, हाफ एन आवर 45 मिनट थोड़ी सी शॉपिंग ही करी थी और बारिश हो गई है। और ये देखो एकदम मौसम जो है चेंज हो गया है, पीछे जो है इंडियन फ्लैग है, ब्यूटीफुल इंडियन फ्लैग, और इधर लिखा हुआ भी है चंबा गो ग्रीन कीप क्लीन एंड दिस इज अ चंबा का पार्क, फैबुलस चंबा, उस तरफ आप देख सकते हो। और ये जो सारी जगह है पूरी चंबा की मार्केट है उस तरफ, लाइक द मेन मार्केट डाउनटाउन ऑफ चंबा। तो गाइस वेरी ब्यूटीफुल दिस प्लेस, लाइक इट्स अ प्रॉपरली सिटी एंड यू विल गेट द फील ऑफ हिमाचल कम्प्लीटली। तो गाइस जो 3 डेज़ की इटिनरी है, अगर आप खजियार डलहौजी की तरफ आते हो तो एक दिन डलहौजी, एक दिन खजियार और एक दिन चंबा आप ट्रेवल कर सकते हो। रुकना खजियार में, बिकॉज खजियार इज़ द मिडिल प्लेस जो इन दोनों के बीच में है, तो आपको कहीं पर भी ज़्यादा ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा। और ये चंबा है, चंबा की मार्केट भी देख ली, वो हमारा झंडा भाई, और ये सारी मार्केट। तो गाइस नाउ वी आर गोइंग टू सम रिवर साइड रेस्टोरेंट टू ईट द लंच, बिकॉज इट्स लंच टाइम नाउ। हम 11:30 बजे निकले थे खजियार से और यहाँ तक पहुँच गए, बट बारिश हो रही है तो इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल।
तो गाइस अभी हम खजियार की तरफ वापस जा रहे थे, बट बीच में लैंडस्लाइड हो गई है, सो एवरीवन हैज स्टॉप्ड, देयर आर फ्यू कार्स, देयर आर द अदर कार्स एंड लैंडस्लाइड हो गए, सो वी स्टॉप्ड एंड इट्स डेंजरस बिकॉज दे आर बिल्डिंग द रोड, सो एवरीथिंग इज अ लिटिल टेम्परेरी. If you can see, it can fall any time, but this is the only way. And behind me is the beautiful valley of Chamba. If you can see, and the clouds are right just next to us. So, इतना सुंदर लग रहा है ना भाई, कुछ मतलब it compensates for everything, all the trouble that we are having right now. The car अभी रुक गई है, हमने रोक दिया है car, but it's still dangerous that some stone can fall from up, and if it falls from up, it will come till down. तो यही एक थोड़ी dangerous चीज़ है. बाकी लैंडस्लाइड हो गई है, उधर भी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं उस वाले टर्न पे, बट दे डोंट नो दैट दिस इज़ ऑल क्लियर, बट वो इसलिए नहीं आ रहे हैं बिकॉज लैंडस्लाइड हो चुकी है पहले. एंड लुक एट दैट ब्यूटीफुल ब्रिज राइट देयर, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, एंड दैट आफ्टर दैट लाइन यू कैन सी द चंबा वैली, द ऑल द चंबा सिटी देयर दैट वी जस्ट कम फ्रॉम. एंड गाइस बादल आ गए हैं एंड इट्स अ लिटिल डेंजरस, बट गाइस इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल. सो अभी मैं आगे जाके देखता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जैसे कि लैंडस्लाइड हुई है और मशीन जो है लगी हुई है, तो देखना पड़ेगा कि भाई मशीन लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, लग तो रहा है. तो गाइस आगे और भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, पीछे की तरफ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, बट बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज माउंटेन दैट इट कैन फॉल, इसलिए सब लोग जो है इस वाले एरिया को एम्प्टी रख रहे हैं. एंड लेट्स गो अ लिटिल मोर फॉरवर्ड, ऊपर जो रोड है वो तो क्लियर है, सो क्लियरली कोई लैंडस्लाइड हुई है. एंड अब अगर बाइक वाले भी रुक गए हैं तो द रोड इज़ क्लोज कम्प्लीटली, तो एडवेंचर ही हो गया भाई आज तो. तो गाइज वो पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है, वहाँ पर एक मशीन लगी हुई है लैंडस्लाइड को हटाने के लिए, और पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है वहाँ तक, भाई जाम लग रखा है. ये भाई फुल मज़े ले रहा है बरसातों के, हाँ वो देखो भाई वहाँ तक गाड़ियाँ हैं और नीचे भी वहीं तक ही गाड़ियाँ हैं, बीच में रुकी हुई हैं क्योंकि पत्थर गिर सकते हैं ऊपर से कभी भी.